बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिक्चरें बनती रहती है, कोई स्टार हिट होता है तो कोई स्टार फ्लॉप, किसी की मूवी चल पड़ती है तो किसी की मूवी पतली गली से निकल जाती है। साल भर में इतने रिलीजेस होते हैं, लेकिन याद बस उन मूवी से रिलेटेड उस एक्टर के कॉन्ट्रोवर्सीज रहते हैं। वेल, इस बार बॉलीवुड मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल में हम देखेंगे इंडस्ट्री के द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत के 2019 के सारे कॉन्ट्रोवर्सीज। शुरुआत करते हैं कंगना की ही फिल्म मणिकर्णिका से, जो बड़े पर्दे पर तो अच्छी खासी चली, लेकिन फिर फंस गई कंट्रोवर्सी में। इस मूवी में कंगना ने बहुत सारे स्टंट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने हॉर्स राइडिंग भी सीखा, लेकिन इसी हॉर्स राइडिंग के चलते उन्हें ट्रोलर्स ने ट्रोल किया। शी वॉज मर्सीलेसली ट्रोल्ड फॉर बिहाइंड द सीन्स वीडियो ऑफ हर राइडिंग अ मैकेनिकल हॉर्स व्हिच गॉट लीक्ड ऑन द इंटरनेट। इस पर कंगना ने सीधा निशाना साधा बॉलीवुड के अपने दुश्मनों पर। कंगना ने कहा, दीज पीपल वर ऑल टुगेदर बुलिंग मी, डिड यू सी द हॉर्स एपिसोड, अ क्लिप लीक्ड फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द फिल्म, दिस इज मॉकरी, अ गर्ल हैज पुल्ड ऑफ दीज स्टंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देयर इज दिस होल सिस्टम वर्किंग अगेंस्ट इट ओपनली, आई फेल लाइक इट वॉज स्कारिंग मी। कंगना ने आगे कहा, करण जौहर एंड गैंग, अ लॉट ऑफ नेगेटिव पीआर अबाउट मी हैज बीन हैपनिंग फ्रॉम दीज पीपल, मे बी यू डोंट नो But I know who gives out news about me. I also know who had released that horse video. If I tell you the name, you will be shocked. बता दे कि मणिकर्णिका के दौरान ही कंगना ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को भी नहीं छोड़ा। आखिर क्यों? आप ही देखिए। मगर क्या मैं एक ऐसी युवक युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ। आई थिंक किसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणबीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ ये देश ने आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट, हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं। उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए, मेरे घर में बिजली पानी आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना, दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है, मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ। देखो कंगना की 2019 में वैसे तो बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कंगना ने लिया पंगा विद वन ऑफ द मीडिया रिपोर्टर। वेल, आखिर हुआ क्या, आइए देखते हैं। जस्टिन तुम तो मैं दुश्मन बन गया यार, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned it. No, Kangna, I really mean to ask. It's not fair for you to sit on that. You are bashing my film, Manikarnika. Have I done a mistake by making a film on a? You are calling me a jingoistic woman who's making a film on nationalism. Is it my mistake to make a film on? If I may. With your permission, I did not even tweet anything about Manikarnika. So I will send you. And I respect. Of course. I don't know. This is not the right way, Kangna. You cannot intimidate a journalist because you are at the power of position here. वेल, इसी फाइट के बाद कंगना ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड कर मीडिया वालों को स्लैम किया कुछ इस तरह। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी जो हमारी इंडियन मीडिया है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छे लोगों के साथ में कुछ बुरे लोग भी होते हैं। और जो मीडिया है उसने जितना मुझे प्रोत्साहित किया है, जितना मुझे प्रेरित किया है, इतने अच्छे सलाहकार, इतने अच्छे दोस्त जो मुझे मीडिया में मिले हैं, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मेरी सफलता में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। लेकिन जो दीमक की तरह जो एक सेक्शन मीडिया का है, जो हमारे देश में दीमक की तरह लगा हुआ है और उसको धीरे धीरे करके उसकी गरिमा को, उसके स्मिता को, देश की इंटेग्रिटी को, देश की एकता को आए दिन अटैक करता रहता है,
रहता है, आए दिन इनके जो भी है झूठी अफवाहें फैलाते रहते हैं, अपने गंदे भद्दे विचार, देशद्रोहिता के जो विचार है वो ओपनली सबके सामने रखते हैं, और इनके खिलाफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी ना पेनल्टी है और ना ही कोई सज़ा है। आप तो इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा ठेस लगी, और मैंने अपने आप में ही ये डिसाइड कर लिया कि ये जो दोगली मीडिया है, ये जो बिकाऊ मीडिया है जो खुद को लिबरल कहती है, सेक्युलर कहती है, और कुछ नहीं है, दसवीं फेल भी नहीं है ये लोग, ये लोग सूडो लिबरल हैं और ये लोग बिल्कुल भी सेक्युलर नहीं है। अगर ये सेक्युलर होते तो हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेके देश की एकता पर हमेशा प्रहार नहीं करते। ऐसे ही एक चिंदी से जर्नलिस्ट को मैं एक दो दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली, तो उसके उसी की तरह बहुत सारे लोग हैं जो जो जितने भी हमारे जो सीरियस इश्यूज़ हैं, हमारे जो सीरियस कॉजेज हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट में डे के दिन मैंने प्लास्टिक बैन को लेके एक कैंपेन किया था, जिसमें मैंने प्लास्टिक के ख़िलाफ़ ईशा योगा सेंटर के साथ में काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ की थी। इस जर्नलिस्ट को मैंने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए देखा। फिर मैंने काउ स्लॉटर के अंगेंस्ट, एनिमल क्रूलिटी के अंगेंस्ट एक कैंपेन किया, उसका भी ये मजाक उड़ा रहा था। एक शहीद पे मैंने फिल्म बनाई, उसके नाम की खिल्ली उड़ा रहा है। और प्लीज़ आप ये गौरतलब ये है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई तर्क वितर्क, समीक्षा या विचार, जो कि एक पत्रकार का हक है, उस तरीके से नहीं, गाली गलौज करके, गंदी बातें लिख के, प्रोफेशनल ट्रोल्स जो हैं, खुद को मुफ्त का खाना खाने पहुंच जाते हैं ये हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। मैं जानना चाहती हूँ कि कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप खुद को जर्नलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपने किया हुआ? मुझे एक अपना लिखा हुआ कोई ना कोई एक पीस या एक ब्लॉग, जैसे मैं खुद को अगर कलाकार कहती हूँ तो कुछ तो होना चाहिए टू माई क्रेडिट। आप खुद को क्यों पत्रकार कह रहे हैं? किस लिए आप पत्रकार बने हुए हैं? इन तीन चार लोगों ने मिलकर, क्योंकि मैंने उस इंसान के प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, मैंने कहा एक इंटरनेशनल को मैं क्यों एंटरटेन करूं, मेरे पास किसी भी तरह के देशद्रोही के लिए 0% टॉलरेंस है। तीन चार लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक कोई गिल्ड बनाई है, शायद कल ही बनी है, ना ही उसकी कोई मान्यता ही है और ना ही उसकी कोई धारणा है। तो उस गिल्ड के चलते हुए लोगों ने मुझे धमकी देना शुरू किया है कि मुझे बैन कर देंगे या मेरी कोई चीज़ का मुझे कवर नहीं करेंगे या मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। अरे नालायकों, देशद्रोहियों, बिकाऊ लोगों, तुम लोगों को खरीदने के लाखों भी नहीं चाहिए, तुम लोग तो इतने सस्ते हो 50-60 रुपए में बिछ जाते हो। जो अपनी देश के साथ गद्दारी करे, अपनी ही थाली में जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, तुम जैसे नालायक मुझको बर्बाद करोगे? तुम लोगों के बाप दादाओं को भी मैंने लोहे के चने चबाए हैं। आज मैं अगर तुम लोगों जैसे लोगों की चलती ना मूवी माफिया और तुम जैसे सड़े हुए सूडो जर्नलिस्ट की चलती, तो आज मैं इंडिया की टॉप एक्ट्रेस और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस नहीं होती। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती और कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे बैन करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों के घर में चूल्हा जले। और इससे ज़्यादा बड़ा एहसान आप मुझ पर नहीं कर सकते कि आप मुझे बैन कीजिए। और जो भी मेरे भाई बहन इस देश के जो युवक युवतियाँ हैं जिन्होंने इन लोगों का बहिष्कार किया है, और जब मणिकर्णिका फिल्म भी आई थी और मूवी माफिया उसके अगेंस्ट पूरी गैंग अप हो गई थी, तो इन बच्चों ने इतने अच्छे तरह से हर दिन वी स्टैंड विद मणिकर्णिका ट्रेंड किया, उस फिल्म को बहुत सफल बनाया, फिल्म ने 150 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया, और इस चीज़ से मुझे इतना गर्व है अपने देशवासियों पर, आप लोगों के लिए। कंगना रनौत की बहन रंगोली चैंडेल का भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कंगना से ज्यादा रंगोली के ट्वीट्स होते हैं। रंगोली चैंडेल ने भी अपने लिए एक नया शिकार ढूंढा, जिसका नाम है तापसी पन्नू। वेल, जरा इस ट्वीट को ध्यान से देखें, आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। तापसी के बाद ऐसे ही कई सारे ट्वीट्स कर रंगोली ने वरुण धवन, अनुराग कश्यप और भी एक्टर्स को सुना दिया। वेल, इतने सारे बवाल के बाद और फिल्म जजमेंटल है क्या की रिलीज के दौरान मीडिया ने कंगना को और कंगना ने मीडिया को कर दिया था बॉयकॉट।
जिसके बाद एकता कपूर ने अपने तरफ से मीडिया को सॉरी भी बोला। वैसे अब कंगना और कॉन्ट्रोवर्सीज हैंड इन हैंड चलते हैं। देखना ये होगा कि क्या अगले साल भी कंगना ये परंपरा कायम रखती है या नहीं। इन कॉन्ट्रोवर्सीज पर आपका क्या कहना है? आपके व्यूज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।